So now we start class. Here one element is chromium, okay? And question will be number of orbitals filled by chromium. Number of orbitals filled by chromium. Number of unpaired electron in chromium. Identify paramagnetic and diamagnetic. Which one will show color? Or find मैग्नेटिक मोमेंट और फॉर्मूला इज दैट. चलो हम वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर करते हैं. तो पहला हम क्रोमियम का क्या निकाल लेंगे, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. अब ऑर्बिटल्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल्स? बॉक्स, हियर वन बॉक्स, हियर वन बॉक्स, हियर थ्री बॉक्स, हियर वन बॉक्स, हियर थ्री बॉक्स, हियर वन बॉक्स और हियर फाइव बॉक्स. यस और नो? हियर टू इलेक्ट्रॉन clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clock, 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 then anti, 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 then anti, anti, anti. Yes or no? Here clock and anti. Here clock, then anti. Here clock, 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 then anti, 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 anti. Here one clock, here clock, 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 clock. Have you any doubt to fill the electrons? Now we have to count how many orbitals will take participate will be in filled by electron. Here orbitals means box. Orbitals matlab box. One box. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total 15. चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, सबको हम काउंट करेंगे. अगर एक भी नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे. अगर हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन बॉक्स खाली है तो खाली बॉक्स को हम नहीं काउंट करेंगे. हम जो बॉक्स खाली है उसको हम काउंट नहीं करेंगे. अगर बॉक्स में एक भी इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको एक काउंट करेंगे. अगर बॉक्स में एक भी नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे. दो होगा तो भी काउंट करेंगे, एक होगा तो भी काउंट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं काउंट करेंगे. यस और नो? यस और नो? ओके. तो हियर 15 ऑर्बिटल्स विल फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन. ओके ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज पेयर्ड. पेयर्ड किसको बोलेंगे? एक बॉक्स मध्ये टू इलेक्ट्रॉन आहे ते पेयर्ड सांग. अगर एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन है, वन बॉक्स कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स, वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज कॉल्ड पेयर्ड. वन ऑर्बिटल्स हैज टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यस और नो? This one is paired, this one is paired, 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 paired. एक घर में अंकल आंटी होंगे तो पेयर्ड ही बोलेंगे. ये अनपेयर्ड. This one is unpaired, unpaired, unpaired.
यूपी 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 बोल दो। अनपेयर्ड 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर सिक्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पंद्रह तो अनपेयर्ड विल बी सिक्स ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर उस एलिमेंट में ध्यान से सुनना अगर उस एलिमेंट में किस एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट में एक भी अनपेयर्ड मिल जाए एक भी अनपेयर्ड मिल जाए अगर एलिमेंट एलिमेंट कंटेन मिनिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम मैक्सिमम कितना भी रहे चलता है मिनिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इज नोन एज पैरामैग्नेटिक एक भी अनपेयर्ड अगर दिख गया तो उसको हम किस नाम से जानेंगे पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक का मीनिंग ये होता है जो मैग्नेट की तरफ वो प्रॉपर्टीज जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं तो अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट इसलिए हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। कैसे हम पहचानते हैं मिनिमम उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और नहीं होगा तो सारा पेयर होगा तो क्या बोलेंगे सारा पेयर होगा तो हम बोलेंगे डाइमैग्नेटिक यानी एलिमेंट कंटेन एलिमेंट हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसको हम क्या नाम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। दिस वन इज नोन एज डायमैग्नेटिक। तो मुझे बताओ क्रोमियम पैरा होगा कि डाई होगा क्रोमियम इज पैरा और डाई क्रोमियम पैरा और डाई क्या होगा पैरा गुड। मधुरा सावंत भाग्यश्री जोए आदित्य सबका आंसर पैरा है गुड। क्रोमियम इज मतलब क्रोमियम जो है मैग्नेट की तरफ क्या होगा अट्रैक्ट होगा डायमैग्नेटिक मतलब रिपल्सन। अब मैग्नेट की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट होता है कोई चीज रिपल्सन होता है रिपल्सन टुवर्ड्स मैग्नेट। हैव यू एनी डाउट ओके
नाउ नेक्स्ट पॉइंट कलर। तो कलर के बारे में थोड़ा सा हम बाद में जानकारी देंगे कि कलर क्या होता है। आप नाम सुने होंगे कॉपर सल्फेट पानी के अंदर ब्लू कलर देता है। कलर देने का रीजन क्या है, तो रीजन थोड़ा और डेप्थ में हम बाद में समझेंगे, यहां मैं आपको बता दे रहा हूं। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारते हैं। समझ लो यहां एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस ऑर्बिट में जंप मारते हैं, इसको बोलते एक्साइटेड हो रहे हैं। तो मैं इसको यहां इस लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इस ऑर्बिट को लाइन से। ये ऑर्बिट नंबर वन, ये ऑर्बिट नंबर टू, ऑर्बिट नंबर थ्री, ये ऑर्बिट नंबर फोर। मान लेते हैं यहां इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? अनपेयर्ड। ये एनर्जी जो है वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ये बढ़ता है। सबका एनर्जी अलग अलग होता है, इन सबका एनर्जी अलग अलग होता है। ये मान लो यहां से जंप मार के यहां गया, जंप एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जब ये रिटर्न होता है तो लाइट इमिट करता है। तो कुल मिला के ये है। अब ऐसा सोचो कि हम टेरिस पे खड़े हैं, टेरिस पे से नीचे कूदना है, तो हम कूदते समय एनर्जी क्या होगा? टेरिस पे से कूदते समय क्या होगा हमें? तो यहां पर ध्यान देना, ये एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बता दूं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में हम जाएंगे कहां? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, ये मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऑर्बिट है, जो ये है सर्कल, उसको हमने ऑर्बिट से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस वन इज ऑर्बिट, ये ऑर्बिट नंबर वन है, ये ऑर्बिट नंबर टू है, ये ऑर्बिट नंबर थ्री है, ये ऑर्बिट नंबर फोर है। इनका जो एनर्जी होता है ऑर्बिट नंबर वन का, किसी भी एटम के लिए लोअर एनर्जी होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ये हायर एनर्जी हो जाता है, हायर एनर्जी हो जाता है। और हम एक मान के चलते हैं कि कोई भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा इस पे एक दो लाइन और आपको बताना पड़ेगा। क्या? तो ध्यान से सुनना, अगर हमने सोडियम बोला कि सर सोडियम, तो सोडियम के पास केवल तीन ऑर्बिट नहीं है, सोडियम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट है, लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल तीन ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, तो ऑल एटम हैव ये इमेजिनरी है, ऑल एटम हैव इनफाइनाइट ऑर्बिट। सबके पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि सोडियम के केवल तीन ऑर्बिट ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बाकी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम विल बी प्रेजेंट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स केवल तीन ऑर्बिट में रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके पास इनफाइनाइट क्या होता है, इनके पास इनफाइनाइट क्या होगा, इनके पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होगा। तो कोई भी एटम, ऐसा नहीं सोडियम ही, किसी भी एटम का इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ऑर्बिट नंबर वन में रहे, या ऑर्बिट नंबर वन और टू में रहे, या वन टू थ्री में रहे, वन टू फोर में रहे। तो अभी तक जो एलिमेंट इन्वेंशन हुआ है, सात ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो 118 एलिमेंट है उसके सात ऑर्बिट तक रहता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक भरता है। ऐसा नहीं कि ये ऑर्बिट नहीं होता, ये ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनका लोअर एनर्जी होता है और इसका एनर्जी हायर होता है, ये हायर एनर्जी होता है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं,
तो यहां -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, माइनस में होता है, यहां जीरो होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस में कम हुआ, ये प्लस में ज्यादा हुआ। हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें तो ऑर्बिट नंबर वन का लोअर एनर्जी होता है, और ऑर्बिट नंबर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना चाहते हैं, लोअर में, लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं, लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं। लोअर एनर्जी में रहेंगे तो उनका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और नहीं तो कहीं ज्यादा अगर एनर्जी में रहेंगे, अगर मान लो हमें हमें एनर्जी भर दो पूरा, तो मैं तो उछलने कूदने लगूंगा ना, गुलगुंडी पूरा पिला दो तो मैं जंप करने लगूंगा। तो अगर जितना एनर्जी कम रहेगा तो मैं आराम से बैठा रहूंगा, और उसमें स्टेबिलिटी माना जाता है। तो केमिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि जितना कम कम एनर्जी होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जितने लोअर एनर्जी में रहेंगे उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर लोअर में रहना चाहते हैं, याद रखना इस चीज को। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ऑल द एटम हैव इनफाइनाइट ऑर्बिट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में या दो ऑर्बिट में या तीन ऑर्बिट में रहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ने लगता है, यहां लोअर होता है और यहां हायर एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना चाहते हैं, लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब यहां इलेक्ट्रॉन्स है और जंप मार के यहां गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एनर्जी रिलीज होगा। तो लोअर से हायर में जाना मतलब नीचे से सरफेस पे, कहां टेरिस पे जाना, तो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। तो लोअर से कहां जा रहा है, हायर में जा रहा है। तो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, रिलीज नहीं होगा, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। विनय सावंत तुम्हारा उल्टा आ रहा है आंसर क्या, जब नीचे से ऊपर कूदेंगे तो एनर्जी हमें लेना पड़ेगा ना। अब जब ये हायर से नीचे जंप मारेगा, इसको एक्साइटेड, इसको बोलते हैं एक्साइटेड, एक्साइटेड हुआ ही। अब इसको बोलते हैं डी एक्साइटेड, मतलब फिर से वापिस आ गया, डी एक्साइटेड। जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, गुड। और जब यही एनर्जी रिलीज होगा, जब यही रिलीज होगा तो हम बाद में पढ़ेंगे कि यही जो रिलीज होगा वो एक लेमडा, एक लाइट क्रिएट करेगा, एक लाइट निकालेगा, जिसका हम लेमडा भी निकालेंगे, कहां एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू एससी अपॉन लेमडा, एच और सी के बारे में मत समझना। लेमडा मतलब एक रेडिएशन इमिट होगा, एक लाइट इमिट होगा, रेडिएशन होगा, एक रेडिएशन होगा। तो कुल मिला के एक लाइन है। अब इतना लाइन सिखाने के पीछे हमारा पर्पस एक है, क्या है पर्पस, कि अगर कोई भी एटम, एटम के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो जंप मारते हैं, एक्साइटेड होते हैं, फिर डी एक्साइटेड होते हैं तो लाइट इमिट करते हैं। तो अनपेयर्ड होने के बाद वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे, कलर दिखाते हैं, कलर शो करते हैं। तो हमारा समरी बहुत छोटा है कि कौन सा एटम जो है कलर दिखाएगा और क्यों, थोड़ा हमने बता दिया क्यों कलर दिखाएगा। तो जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्योंकि वो जंप मारता है और जंप मार के जब बैक साइड आता है तो लाइट इमिट करता है। जैसे आप सुने हो कॉपर सल्फेट में, कॉपर प्लस टू, तो जैसे ही कॉपर में से दो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो एक्साइटेड गया होगा, तो फिर जब रिटर्न हुआ होगा तो लाइट इमिट करता है। इसके बारे में हम डेप्थ कॉन्सेप्ट कहां सीखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहां के लिए इतना काफी है, बस इतना ध्यान रखना कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा, यानी पैरामैग्नेटिक जो होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो कलर शो करेगा। डाइमैग्नेटिक विल कलरलेस, डाइमैग्नेटिक क्या होगा, कलरलेस होगा। तो अगर डाइमैग्नेटिक है, डाइमैग्नेटिक है तो डाइमैग्नेटिक क्या करेगा, कलरलेस होगा।
क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी जंप नहीं मारते हैं, केवल जंप कौन मारेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स व्हाई डाइमैग्नेटिक इज कलरलेस एंड पैरामैग्नेटिक इज कलर सो कलर। ये हमारा समरी है और समरी के पीछे थोड़ा सा स्टोरी बता दिया, स्टोरी हम और उसको कंप्लीट करेंगे कहां, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये मेन हमें समझ में आना चाहिए, तो इसको मैं चाह रहा हूं डायरेक्ट भी लिखवा दिया लेकिन थोड़ा सा बैक साइड से लेके आया। तो विच वन विल शो कलर, विच शो कलर और नॉट, तो क्रोमियम, क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम क्या है, पैरा है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए क्रोमियम कलर शो करेगा, कलर दिखाएगा, जैसे हम सोल्यूशन में डालेंगे कलर दिखा देगा ये, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है कितना वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पावर कितना है, कैपेबिलिटी कितना है उसका, तो उसका म्यू से हम लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटो बीएम, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। अब एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताओ क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, सिक्स था, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिक्स। तो हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू एट 48। आप इसको सोल्व नहीं भी करो तो चलता है, हम ऑप्शन के अनुसार से देख लेंगे कि क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है, पर बोर मैग्नेटो यहां पर हो। तो रूट अंडर 48 इज बोर मैग्नेटो, बराबर है। तो ये पांच क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया, कहीं डाउट है तो मेरे को बोलो। तो हम समरी यहां लिख रहे हैं, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब जहां पैरामैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, वो कलर दिखाएगा, वो कम वो सब्सटेंस कलर दिखाएगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, attracted towards magnet, वो magnet की तरफ attract होगा, ठीक है। जहां paramagnetic होगा उसका mu magnetic moment निकालेंगे, कैसे, root under n into n plus 2 bm Bohr magneto, और n equal to होता है number of unpaired electron, unpaired electron। अब जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे, डाइमैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक बोलेंगे, और वो क्या होगा, कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस होगा, क्योंकि उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग नहीं करते हैं, और ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी जब इसको मैग्नेट के पास हम लाएंगे तो उसको रिपल्सन होगा। म्यू के बारे में बात करें तो रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू होगा, और हर बार एन का वैल्यू क्या लेंगे, जीरो, तो म्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो इसको हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ आयरन में, आयरन का आंसर करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिल्ड बाय आयरन सेकेंड, पैरा पैरामैग्नेटिक है आप जज करोगे या डाइमैग्नेटिक है। अगर पैरा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, अगर अनपेयर्ड है तो क्या ये कलर शो करेगा या कलरलेस होगा, कलर शो करेगा या कलरलेस होगा,
फिफ्थ पॉइंट, अगर ये कलर दिखाएगा म्यू कितना होगा। आप पांच क्वेश्चन का आंसर करो आयरन के लिए, तो इसको आप पहले अटेम्प्ट कर लो और फिर पांच क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो कितने ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगे काउंट कर लो आप, बॉक्स बॉक्स काउंट करो, 15 हो जाएंगे टोटल, कितने होंगे 15। अनपेड है, पैरा एड आई है, अनपेड मिलेगा लास्ट में, 4:2:4 ही मिलेगा इसमें, 1 2 3 4, ये 3D6 होता है, सॉरी 3D6 होगा, 4 ही अनपेड मिलेगा, ये पैरा होगा, दिस वन इज पैरा, नंबर ऑफ अनपेड 4। कलर करेगा या कलरलेस, कलर होगा, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, एन इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, रूट अंडर 24। कोई किसी को कोई डाउट, तो इस तरह से आप वॉल्यूम बनाओगे, नीचे वाला नहीं दिख रहा, इस तरह से आप वॉल्यूम वॉल्यूम जो आपको मिला है उस बनाओगे। फिर हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, अभी हम मैग्नेटिक मोमेंट में बात कर रहे थे, आगे बात करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।